अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से। बात करेंगे ओमान से इंडिया ट्रैवल करने वालों के बारे में। आज 23 फरवरी 2021 मंगल का दिन है। इंडियन गवर्नमेंट की जानब से अनाउंसमेंट की गई है कि ओमान से कोई भी बंदा जो इंडिया के लिए ट्रैवल करेगा, सबके लिए कोरोना का टेस्ट करवा के जाना लाजमी होगा। एक तो आपने यहाँ से फ्लाइट टाइम से पहले 72 घंटे टेस्ट करवाना है और ओरिजिनल रिपोर्ट जो है आपके पास होनी चाहिए। इंडिया में भी जो है उन्होंने ओरिजिनल रिपोर्ट देखनी है। उसके अलावा है कि यहाँ से टेस्ट करवाने के बाद आपने अपनी ट्रैवल जो डिटेल है वो एयर सुविधा पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है। उसके बाद है एक एप्लीकेशन है मोबाइल के ऊपर, आपने वो भी इंस्टॉल करनी है, एरोगिया सेटो। ये एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करनी है। उसमें भी ट्रैवल के हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डिटेल है, वो आपने अपलोड करनी है, अपडेट करनी है। उसके अलावा ये कि कोरोना का टेस्ट जो है बच्चों बूढ़ों सबका होगा और इसमें से किसी को एग्जेम्पशन नहीं है। सिर्फ वो लोग जिनका कोई रिलेटिव जो है जिनकी डेथ हो गई है इंडिया के अंदर, अगर वो उसकी फनरल में जा रहे हैं तो उनको इजाज़त होगी। अदरवाइज़ सबके लिए कोरोना का टेस्ट जो है वो लाजमी है और रिपोर्ट जो है PCR टेस्ट की नेगेटिव होनी चाहिए। और दूसरा ये भी कि इंडिया में एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचने पर आपका एक और टेस्ट होगा, मॉलिकुलर टेस्ट। उसमें बच्चे बूढ़े हर एज के जो हैं बंदे वो शामिल होंगे। यानी वहाँ इंडिया में जाके मॉलिकुलर टेस्ट भी आपने करवाना है और उसके पैसे जो है जो ट्रैवलर है उसने खुद पे करने हैं। सो इंशाल्लाह ताला खैर। इसके अलावा जैसे मजीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, विल डू दैट रिप्लाई। सो अपना ख्याल रखिए, हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।